इस तन में विराजमान रुकुटी के बीच चमकता हुआ मैं एक तेजस्वी ज्योति बिंदु हूं। इस शरीर में रहकर भी पांच तत्वों से बने इस शरीर से अलग एक चैतन्य ऊर्जा पुंज हूं। अलौकिक प्रकाश हूं। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अपने मन बुद्धि का मालिक मैं, विचार करने वाला, निर्णय करने वाला, स्थूल शरीर का आधार लेकर कर्म करने वाला एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से मैं कुछ देर तक निहारता हूं अपने सत्य स्वरूप को, अपने दिव्य तेजस्वी ज्योतिर्मय रूप को। मुझ दिव्य ज्योति से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तेजस्वी किरणों के रूप में मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश प्रखर होते जा रहा है। इस प्रकाश से निर्माण होने वाला प्रभामंडल बढ़ता जा रहा है। मैं एक अलौकिक शक्ति से भरते जा रहा हूं। बेहद हल्का महसूस कर रहा हूं। से निकली हुई शक्तियों के प्रकंपन अब वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं। वायुमंडल बहुत ही पावरफुल बन गया है। मैं स्वयं को बेहद शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। मन अतिंद्रिय सुख
और शांति से भर गया है। अनुभव कर रहा हूं कि जैसे यह स्थूल शरीर है ही नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से मेरे देह के सब बंधन टूट गए हैं। देह और देह के संबंधों का अब कोई बंधन नहीं। अब मैं प्रकाशमय काया धारण कर डबल लाइट फरिश्ता बन उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ते जा रहा हूं आकाश तत्व के पार। पहुंच जाता हूं अपने घर परम धाम में, आत्माओं के देश में। मेरा यह घर अनंत है, मैं इस ज्योतिर्मय क्षेत्र में निश्चिंत हूं। मधुर निस्तब्धता का आनंद ले रहा हूं। मैं परम धाम में अपने निजी आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं। निजी स्वरूप में स्थित होने से सहज ही मेरे निजी गुण और संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। अब मैं निहार रहा हूं अपने पारलौकिक पिता परम ज्योति शिव बाबा को। एवर प्योर, सर्वशक्तिवान, दिव्य गुणों के सागर शिव बाबा की किरणों को स्वयं में समाकर मैं भी संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता हूं।
संपूर्ण अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। अब मैं अपने घर में कुछ समय तक इसी संपूर्ण अवस्था में विश्राम करता हूं। अब मैं आत्मा इसी संपूर्ण स्थिति में परम धाम से नीचे आकर धीरे धीरे शरीर की चेतना में लौटकर अनासक्त भाव से इस भौतिक जगत में उपस्थित हूं। इस विश्व नाटक के मंच पर वापस आने पर अब देह का कोई भान नहीं, देह भान, देह अभिमान से पूरी तरह मुक्त। आत्मिक स्थिति में स्थित सभी कर्मेंद्रिया शीतल सरलचित इंद्रियों को आकर्षित करने वाले संसार का अब मुझे किंचित भी आकर्षण नहीं। देह में रहते सदा आत्मिक स्मृति आत्मिक दृष्टि आत्म अभिमानी स्थिति चलते फिरते स्वयं को देह न समझ चमकती हुई मस्तक मणि समझना किसी के भी देह को देखते हुए भी न देख बस मस्तक पर चमकती हुई आत्मा मणि को ही देखना आत्मा बन अपने आत्मा भाई को ही देखना अनासक्त भाव से इस बेहद के ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करते हुए इस सृष्टि रंग मंच पर पार्ट बजाते अपने आत्मा भाइयों को ही देखना
सभी आत्माएं एक शिव पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई है। मेरे सभी आत्मा भाई इस कल्याणकारी ड्रामा में अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। सभी का वैरायटी पार्ट है। अब किसी के भी स्वभाव संस्कार को देखते हुए मैं उस आत्मा प्रति शुभ भावना रखता हूं। कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देख सदा स्मृति में रखता हूं कि सभी आत्माओं का अपना अपना वैरायटी पार्ट है। कमजोर को भी आत्मिक रूप में अपने भाई के रूप में देखते हुए उसे अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन कर देता हूं। सबके प्रति रूहानियत भरी पवित्र दृष्टि और शुभ भावना रखता हूं। अब मैं आत्मा साकार में रहते अपने शुद्ध नेचुरल गुणों और शक्तियों की स्मृति में रहकर हर कर्म करता हूं। कर्म बंधन से न्यारा रहकर अपने सतयुगी देवता स्वरूप के समान नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहता हूं। सदा रूहानी नशे में रहता हूं। अब तो स्वयं भाग्य विधाता मेरा हो गया। मैं सदा अपने इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहता हूं। स्वयं को एक महान आत्मा समझता हूं। श्रेष्ठ आत्मा समझता हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा सर्वश्रेष्ठ बाप का हूं, श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। अब मुझ श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ कृति को देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न हो रही है। और मेरे द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की प्रत्यक्षता हो रही है।